नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी की बनभूरबुरा चौकी के पास। आप पीछे मेरे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्वाला संघर्ष समिति के लोग हैं उनकी पुलिस वालों से वार्ता चल रही है। बनभूरबुरा के थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो ग्वाला संघर्ष समिति से वार्ता कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो लोग हैं वो रैली निकाल कर, जिस तरह से आपने आपको रिपोर्ट दिखाई कि जनसभा जो बुधवार में हो रही है वहां तक जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति के ये लोग यहां से रैली निकाल कर नहीं जा सकते हैं। पुलिस बल यहां पे तैनात किया गया है, अगर किसी तरह की जो अराजकता होती है उससे बचाया जा सके, इसलिए पुलिस बल की जो तैनाती है वो की गई है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि यहां पर जो ग्वाला संघर्ष समिति के लोग हैं वो यहां पर अपनी बात को रख रहे हैं, हालांकि पुलिस कर्मी जो हैं वो यहां पे तैनात हैं और जो थाना अध्यक्ष हैं बनभूरबुरा के वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अराजकता जो है वो ना फैलाएं, अपनी बातों को आराम से रखें, लेकिन किसी भी तरह की जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, उसको लेकर पुलिस बल जो है वो यहाँ पे तैनाती उनकी की गई है। मैं यहाँ पे तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर हैं इन्होंने वार्ता की थी और उसके बाद भी क्या निष्कर्ष इनका निकला है, इनसे बात करते हैं। सर, अभी आपकी वार्ता हुई थाना अध्यक्ष बनभूरबुरा से, क्या निष्कर्ष इसका निकला है अभी? ऐसा ना, हमारा तो जिस सीधा सीधा हम जुलूस लेके जाएंगे, ये प्रशासन का काम है, लोकतंत्र के अंदर हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार है हमारा, और जुलूस निकाल के लेके जाना ये शासन प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, क्योंकि सरकार का और प्रशासन का काम ही ये बचा है। जो भी आंदोलन होगा उसे कुचलने का काम करेंगे और हम भी प्रशासन के अंदर जितनी ताकत होगी प्रशासन लगाए, जनता के अंदर अपने पेट की जितनी आग होगी हम भी अपनी ताकत लगाएंगे, प्रशासन हमें रोकेगा, हम देखेंगे प्रशासन भी कैसे रोकेगा। लोकतंत्र के अंदर ये डंडे लेके खड़े हैं, ये देख लीजिए डंडे लेके खड़े हैं, जैसे ऐसा लगे जैसे इधर आतंकवादी हैं, इधर जो है हिंदुस्तान के लोग हैं, इधर आतंकवादी के लोग खड़े हैं। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि बिना अनुमति के रैली नहीं निकाली दी जाए। नहीं, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसमें अनुमति की जरूरत ही नहीं है। अगर कल को कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, किसी का कोई कार्यक्रम होगा, अनुमति लाओ, अनुमति की इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रोटी रोजी की लड़ाई है। इस तरीके से भय फैलाना, जगह जगह पुलिस खड़ी कर देना लोकतंत्र के अंदर, ये तो बिल्कुल। अभी मैं एक बयान सुन रहा था नितिन गडकरी जी का, नितिन गडकरी जी कह रहे थे जिस टाइम भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो कह रहे थे स्वयं हमारा अधिकार है लोकतंत्र के अंदर ये करना। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, इनको आंदोलन करने की आजादी दी जाए, ये क्यों लोकतंत्र है इस देश के अंदर? तानाशाही तो है नहीं, या तो यहाँ की सरकार के हम तानाशाह हैं, ये बताएं लोकतंत्र है तो, या तो फिर तानाशाही है तो हम अपने घर चले जाएंगे, और लोकतंत्र तो हमें आगे बढ़ लेते हैं। जो रैली आप लोग निकालने की बात कह रहे हैं, कहां से कहां तक की निकालने की? यहां से हमारा बुद्ध पार्क में एक धरना का कार्यक्रम है, हम यहां से लोग इकट्ठे हो गए, जो हमारे इंद्रनगर गेट के गोला के लोग जुड़े हुए हैं, वो हम धरना स्थल पर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये प्रशासन कह रहे हैं तो हम यहाँ से बढ़ने नहीं देंगे, तो ये हमें क्यों नहीं बढ़ने देंगे? हम इनसे पूछ रहे हैं ये हमें बढ़ने क्यों नहीं देंगे? लोकतंत्र के अंदर हमारा मूल अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है, हम बढ़ेंगे, ये रोकेंगे, हमें रोके। तो क्या कदम रहने वाला है अभी? हम तो अभी बढ़ेंगे, अभी आधे घंटे बाद हम अपने लोगों से बात कर लेते हैं, हम रैली लेके जाएंगे, यहाँ पे लाइटी चलाएं, हमें बंद करें, हमें जेल में डालें, हम तैयार हैं। चलिए भाई सर, आपसे बात करेंगे, आपका नाम? पम्मी सैथी। जिस तरह से बीते दिनों प्रशासन की ओर से पुलिस वालों को पत्र सौंपा गया था, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, क्या लगता है कि आज जो रैली आप लोग निकाल रहे हैं इस पर आगे प्रशासन कदम उठाएगा? नहीं, अगर प्रशासन कदम भी उठाएगा तो कदम हम भी उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे पेट की और रोजगार की लड़ाई है, जो हम बिल्कुल आखिर तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। हमारी मांगे जो हैं, एक तो फिटनेस का निजीकरण बंद हो, और एक जो ग्वाला में प्राइवेट ठेकेदार की एंट्री की है सरकार ने, वो निरस्त होनी चाहिए। तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, और आज की भी हमारी जो कॉल है कि हम रैली लेकर बुद्ध पार्क जाएंगे, तो हम उस कॉल पे अटल हैं और हम रैली लेकर ही जाएंगे, पुलिस प्रशासन हमें चाहे कैसे ही रोके, लेकिन हम रैली की शक्ल में बुद्ध पार्क जाएंगे। चलिए सर, आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपकी वार्ता थाना अध्यक्ष बनभूरबुरा से हुई, कोई निष्कर्ष इसका नहीं निकला है, आगे आप लोग रैली निकालने की बात कह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, और जिस तरह से पुलिस ने पूरा आपको चेता दिया है कि अगर आप रैली निकालेंगे तो उनके ओर से कार्रवाई की जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में ये आज जो हमारा आंदोलन चल रहा है, रोजी रोटी की लड़ाई है हमारी, और प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के इशारों पे प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, क्योंकि रोजी रोटी की हमारी लड़ाई है, कोई हम किसी तरीके का भी माहौल खराब करना नहीं चाहते, शांतिपूर्वक हम जितने भी अधिकारी हैं हमारे प्रशासन के, हम उनसे कहा, बोला हमने कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, हम कोई किसी तरीके का माहौल खराब करना नहीं चाहते, मगर यहाँ पर प्रशासन ने ऐसी
छावनी बना रखी है गोला संघर्ष समिति के ऑफिस पर, यानी कि हमें कह रहे हैं, हमें यहाँ से हमारे थाना अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम यहाँ से तुम्हें हिलने नहीं देंगे, रैली निकलने नहीं देंगे, और हम हर हाल में रैली निकालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमने जो चेतावनी दी है, आंदोलन करेंगे हम, बुद्ध पार्क पर पहुँचेंगे, प्रशासन हमारे साथ जो भी करे, लाठी चार्ज करे, कुछ भी करे, क्योंकि ये रोजी रोटी की हमारी लड़ाई है, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि आप शांतिपूर्ण रैली निकालना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा कि अगर आप रैली निकालेंगे तो उनकी ओर से कार्रवाई की जाएगी, तो उसके बाद माहौल जो है वो बिगड़ेगा नहीं? नहीं, माहौल क्यों बिगड़ेगा? प्रशासन अगर चाहेगा तो माहौल बिगड़ेगा, हम तो नहीं चाह रहे माहौल बिगड़ने के लिए। हमने उन्हें अधिकार दे दिया कि आप जो चाहे करिए हमारे साथ, हम शांतिपूर्वक जाएंगे, आप अनुमति दे दीजिए हमें। अगर ऐसा आपको लग रहा है कोई माहौल खराब हमारी वजह से होगा, आप अपनी गाड़ी में भर के हमें उत्पार पहुँचा दीजिए धरना स्थल पर। तो कह रहे हम क्यों पहुँचा दें, तो हम तो कह रहे हैं हम तो उनका मान सम्मान है, हमारे अधिकारी हैं, हमारे क्षेत्र के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं हमारे थाना अध्यक्ष, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, हमने कहा भी जिलाधिकारी महोदय से हमारी एक मीटिंग करा दीजिए, हमारी खनन समिति की बैठक एक करा दीजिए, हमारी जो मांगे हैं चार सूत्री मांगे, गोला प्राइवेट दे दी गई, फिटनेस प्राइवेट में दे दी गई, दूसरा GPRS का मुद्दा, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगों को बैठ के खनन समिति की बैठक करा के हमने कही, उसमें हमारी कोई मीटिंग होने के लिए तैयार नहीं। कल भी हम 2 घंटे परमिशन के लिए SDM कोर्ट बैठे, SDM महोदय की गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी और वहाँ से गाड़ी मंगवा के बाहर से बाहर चले गए, हमसे मुलाकात ही नहीं की उन्होंने SDM महोदय साहब ने। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को भी फ़ोन किए, उन्होंने कोई टेलीफोन ही नहीं उठाया। तो बताइए आप, ये तो लोकतंत्र में मतलब ये आंदोलन नहीं कर सकता, कितने अफसोस की बात है। तो जिस तरह से आपकी चार सूत्रें मांगी हैं और अगर ये प्रशासन की ओर से पूरी नहीं की जाती हैं, इससे सबसे पहले बताइए कि कितना नुकसान आप लोगों को है? नहीं, इसमें सारी व्यवस्था चरमराई हुई, 2 लाख आदमी बेरोजगार है इस गोला नदी से जुड़ा, 2 लाख लोग इस गोला नदी से खनन करके पूरा कारोबार चलता, आज 2 लाख आदमी बेरोजगार है, क्योंकि सरकार को रोजगार छीनना चाहिए, देना चाहिए, मगर ये कैसी सरकार है कि रोजगार छीनने का काम कर रही है लोगों का। तो ऐसी सरकार से हम बड़ा परेशान हो चुके हैं, हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तुरंत निर्णय लें और हमारा समाधान करें, हमें रोजगार से जैसे लगे वैसी पूर्व की भांति गोला नदी में इलेक्ट्रॉनिक कांटे पहले लगे थे, आज सरकार ने कांटे हटा दिए हैं, क्योंकि आओ और जाओ का सिस्टम कर दिया, क्योंकि 1995 में प्राइवेट गोला हुआ करती थी, उस दौर में गुंडागर्दी हुई, हर रोज मर्डर हुआ करते थे, उस दौर में 35 मर्डर हुए, आज गोला नदी बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई भी दंगा कोई फसाद किसी तरीके का नहीं है, शांतिपूर्वक 2004 से हमारे विद्यासागर यहाँ हुआ करते थे, उन्होंने इस नदी के में कांटे लगाए, कोई भी किसी तरीके का आज तक का गुंडागर्दी का कोई माहौल नहीं रहा, बिल्कुल शांतिपूर्वक गोला नदी हमारी ऐसी है जिसमें किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होता, शांतिपूर्वक गाड़ी वाले चलते हैं। और आज इस तरीके में जो सरकार इसको जो सरकार की नियमावली है इसको ये दंगा करने का माहौल बना दिया, क्योंकि झगड़े होंगे फिर पुराने दौर में 1995 में पहुंच जाएंगे लोग। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको पुरानी पूर्व की भांति नदी को चलाया जाए, यही हमारी मांग है। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों ने कह दिया है कि इनकी ओर से रैली निकाली जाएगी, हालांकि पुलिस जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरह तैनात है, अगर इन लोगों की तरफ से रैली निकाली जाती है तो पुलिस की ओर से भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ ही देर में ये लोग जो है यहाँ से रैली निकाल कर प्रस्थान करेंगे बुद्ध पार्क की तरफ, तो क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है, क्योंकि बनबूरपुरा जो है वो बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो बसते हैं, ऐसे में अगर कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है तो माहौल बिगड़ने की संभावना जो है वो पूरी तरह से जताई जा रही है। अब देखना हमारी बात ये होगी कि कुछ ही समय में क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन जो है वो अमल में लेकर आता है। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट, मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।